प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। NCERT की किताबें UPSC की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के लिए गीता समान होती है। हर एस्पिरेंट को सबसे पहले NCERT पढ़ने की ही सलाह दी जाती है और कई लोग तो सिर्फ NCERT ही पढ़ने की सलाह भी देते हैं, लेकिन NCERT की किताबों को पढ़ने का भी तरीका है, क्या आप जानते हैं? नहीं तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है NCERT कैसे पढ़ें। तो UPSC की तैयारी के लिए NCERT की किताबें पढ़नी चाहिए, ये तो सबको पता है, लेकिन इनको लेकर स्टूडेंट्स के मन में कई तरह के सवाल भी उमड़ते रहते हैं, जैसे कि किस क्लास से लेकर किस क्लास तक की NCERT किताबें पढ़नी चाहिए, NCERT से नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, या फिर NCERT को कितनी बार पढ़ना चाहिए इत्यादि। तो आज हम ऐसे ही कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे। तो पहला, NCERT क्यों पढ़ें? तो NCERT केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्था है और इसे लिखने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। तो यदि आपने गौर किया होगा तो अन्य किताबों की तरह NCERT की किताबों पर किसी लेखक का नाम नहीं होता। हाँ, अंदर के पन्ने पर उसे लिखने वाले सभी विशेषज्ञों का उल्लेख जरूर रहता है। इसके अलावा NCERT में दी गई जितनी भी जानकारियां हैं वो विश्लेषणात्मक और तथ्यपरक होती हैं, मतलब आप इसके तथ्य पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और एग्जाम में भी इसे ही ऑथेंटिक माना जाता है। नेक्स्ट इज, कौन सा एडिशन पढ़ना चाहिए? तो NCERT के दोनों संस्करण ही ठीक हैं। पहले के संस्करण में चित्रों की संख्या कम है और जो नए संस्करण हैं उनमें चित्रों के माध्यम से समझाया गया है जिससे बच्चों को देर तक याद रहे। NCERT की पुस्तकों का निर्माण छोटे बच्चे के स्तर के अनुसार किया जाता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी का भी अध्ययन कर सकते हैं, मूल्य चीज दोनों में एक ही है। नेक्स्ट इज, NCERT की पुस्तकों को कैसे पढ़ें? तो NCERT की पुस्तकों को सही ढंग से पढ़ने के लिए पहले आपको प्रत्येक अध्याय के अंत में जो प्रश्न है उनको पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आपको अध्याय पढ़ना चाहिए। इससे आप तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये काम 3 चरणों में किया जाना चाहिए। पहले चरण में विषयवार, तो कक्षा 6 से 12 तक जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना चाहिए, और दूसरे चरण में पढ़ते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए, साथ ही अवधारणात्मक समझ को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, और तीसरे चरण में NCERT जो पुस्तकें हैं उसमें महत्वपूर्ण अवधारणाओं को नोट करते हुए विषयवार नोट्स बनाने चाहिए तथा उन्हें समसामयिकी तथा पाठ्यक्रम में सम्मिलित अन्य अवधारणाओं से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट इज, NCERT किताबें कितनी बार पढ़नी चाहिए? तो ये अभ्यर्थी की किसी विषय या घटना को समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। आप 2 बार इसका अध्ययन करने के बाद प्रत्येक 3 महीने में इसे रिवाइज कर सकते हैं। आपको दिए गए प्रश्नों को अवश्य हल करना चाहिए जिससे आपकी पकड़ पूरे अध्याय पर जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या NCERT की जो पुस्तकें हैं उनमें नोट्स भी बनाने की आवश्यकता है? तो आप जो भी पढ़ते हैं उसे याद रखने और रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो NCERT की जो किताबें हैं वो पहले ही पतली होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको उनसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। NCERT से नोट्स भी बनाने चाहिए और उन्हें बार बार रिवाइज भी करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कोई भी किताब में नोट या हाईलाइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, NCERT से परीक्षा में कितने सवाल पूछे जाते हैं? तो प्रारंभिक परीक्षा में औसतन 8 से 10 सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट NCERT से पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये संख्या 15 के आसपास भी पहुंच जाती है, और इनडायरेक्ट सवालों की संख्या भी ऑन एन एवरेज 5 से 6 रहती है। कई बार UPSC NCERT में टॉपिक्स को समझने के लिए दिए गए चित्रों और उदाहरणों से भी सवाल पूछता है, तो इन्हें बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करें। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में भी 15 से 20% सवाल NCERT पर आधारित होते हैं।
साथ ही एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़कर मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी अवधारणात्मक समझ को विकसित किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एनसीईआरटी को लेकर जो कन्फ्यूजन्स थे वो जरूर दूर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लेकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स, और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैम्पल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।